For information on the news around you, keep watching FaceTalk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नए गांव में जाकर नए प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराते हैं और इस बार भी हम आ पहुंचे ब्राह्मण पुट्ठी। सर मैं सही कह रही हूँ? ब्राह्मण पुट्ठी जी, ब्राह्मण पुट्ठी गांव में, और यहाँ के एक युवा प्रत्याशी है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे जानेंगे उनके विचारधारा, उनकी रणनीति, अगर वे विजयी होते हैं तो वो क्या क्या रणनीति लेकर अपने गांव की, अपने समाज की सेवा में उन्हें लागू करेंगे, और जानेंगे उनसे उनके विचार। आपका चुनाव लड़ने के लिए ये सोचा है कि गांव में विकास हो और शिक्षा में बच्चों का अच्छा स्तर हो और सभी का साथ और सभी का विकास को लेकर चलने का एक मेरे दिल में एक भावना है और गांव का में शांति बनी रहे, कोई भी आपस में विवाद हो ना हो, एक दूसरे का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, युवाओं का साथ हो, ये मेरी धारणा है। इतनी गंदगी क्यों आपके गांव में? क्या कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं था? नहीं है, सफाई नहीं करता। बस इस बारे में मैं क्या कह सकूं, सफाई करता है। नहीं नहीं बिना भाई करता है, लेकिन गांव है, कूड़ा डालने वाले फिर डाल देते हैं। मैं किसी तरह की टोंट नहीं करना चाहता, ना मैं किसी पे किसी तरह का कोई जो कहना चाहता हूँ कि उसने काम नहीं किया। मैं किसी की बुराई करके जीतना नहीं चाहता। कोई बुराई ना करके नहीं, बुराई तो मैं करके जीतना चाहता ही नहीं, मैं तो अच्छाई करके जीतना चाहता हूँ, अपनी अच्छाई गिनवा के। किसी की बुराई करके जीतना नहीं चाहता मैं। हम भी नहीं कहते किसी की बुराई करें, लेकिन जो बात जायज है वो तो करी जाएगी। जो पिछली कार्य प्रणाली में कार्य हुए ही नहीं, तो आप बुराई किस बात की लेंगे ये बताइए। नहीं मैं उनको क्यों गिनाऊं, मैं अपने गिनाऊंगा, मैं आगे क्या कराऊंगा, उस बारे में भी बात करेंगे हम। हाँ, और सर जब आप विजयी हो जाएंगे तब हम दोबारा आएंगे ये देखने के लिए कि आपने कार्य कितना करवाया। हाँ ये जब पूछ सकते हो मेरे से आप आके कि आपने उस टाइम पे वादे किए थे, आप वादे पूरे करते हो कि नहीं करते हो, ये पूछ सकते हो मेरे आपसे। चलिए तो आपकी क्या रणनीति, अगर आप विजयी होते हैं इस गांव से तो आप किस चीज को महत्वता देंगे? सबसे पहले मैं शिक्षा को महत्वता दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है कि कंपटीशन में हमारे बच्चे जाते हैं, किसी कारणवश पढ़ाई के कारण मान लो या कुछ भी मान लो, कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पा रहे। अच्छा। उसमें क्या है कि बच्चों की एक पढ़ने की प्रणाली जो है, यानी कि जो पढ़ने का माहौल मिलना चाहिए वो बच्चे को नहीं मिल पा रहा। परिवार में रहने के बाद बच्चा नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसमें माँ बाप का भी दबाव होता है। अच्छा। और उसमें इधर उधर की बातें भी सुनने को मिलती हैं बच्चे को, भाई इस काम कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, तो बच्चे का माहौल नहीं बन पाता। सबसे मेन तो लाइब्रेरी होगी गांव में। अच्छा। लाइब्रेरी तो ऐसी है हम अपने बजट से भी करा सकते हैं। अच्छा। अगर सरकार मैं सपोज करो सरकार हमारा साथ ना दे, लेकिन वो हम अपने बजट से भी करा सकते हैं। अच्छा जी, लाइब्रेरी को, और लाइब्रेरी हो गई, और गांव में जगह जगह, यानी कि जहां भी चार कोने पांच कोने, क्योंकि हर घर में फ्रिज नहीं होता, तो ये जो फ्रिज की सुविधा, वाटर कूलर जो बोलते हैं, मेरी सबसे मेन बात ये, वो लगाए जाएंगे। जिनकी जो बिल है वो ग्राम पंचायत पे करेगी। अच्छा। और जो काम भी होगा, जो भी कार्य होगा गांव का, गांव के समर्थन लेके किया जाएगा। जो गांव का पैसा मिलेगा वो गांव को इकट्ठा किया जाएगा। जो मेन आदमी है सबसे पूछा जाएगा, भैया ये पैसा गांव का है, इसे गांव में किस तरह से आप यूज करना चाहते हैं, जहां आप कहोगे मैं वहीं आप इसको लगाऊंगा। ये सच्चाई है कि मैं गांव का पैसा, अगर बजट 2 लाख का तो 2 लाख गांव में लगेगा, मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अच्छा। तो लेकिन हमारे यहाँ
जो जिला पंचायत सदस्य रहे रविंद्र कुमार जी, हम उनसे कहा, उन्होंने हमारे यहाँ एक दो काम भी और भी कराए। शमशान घाट की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग तो क्या करते हैं कि जो किसान लोग हैं वो तो अपने खेतों में ले जाकर दाह संस्कार कर लेते हैं, लेकिन जो आम आदमी हैं, जो कि गरीब तबके के हैं, जो जिसके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए बड़ी समस्या होती है। तो वहाँ पे आड़ कुबाड़ खड़े रहते हैं, क्योंकि सफाई होती नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, कोई वहाँ पे बाउंड्री चार दीवारी कुछ नहीं, तो कुबाड़ निश्चित होना ही है। तो उनसे कहा गया, तो उन्होंने उसका टेंडर डाला, टेंडर पास कराया, वहाँ पे माल भी गिराया, लेकिन वहाँ रास्ते की असुविधा है, रास्ता वहाँ नहीं है जाने के लिए, इसलिए काम नहीं हो पा रहे। उसका टेंडर डला हुआ है, शमशान घाट बनेगा, शमशान घाट में काम होगा, शमशान घाट का टेंडर लग रहा है। बंदर तो हर की महिलाओं की एक डिमांड है कि यहाँ से बंदर पकड़ के कहीं दूर छोड़े जाएं। नहीं, छोड़े तो जाएंगे, खैर ये भी काम होगा। पहले भी कुछ लोग ने किया था काम, हमने भी करा था, छोड़ के भी आए थे, पर दोबारा फिर छोड़ दिया कोई ना कोई आके। फिर क्या करें उसमें, हमने भी ये काम किया था, फिर दोबारा कोई ना कोई छोड़ दिया। बाकी समस्या हमें भी है बंदरों से, सभी को समस्या है, ये मेन समस्या है। इसका भी काम सरकार से अप्रूवल ली जाएगी, सरकार को बताया जाएगा कि स्वास्थ्य पहले है और मास्क लगाना चाहिए, सभी को पता है, उस पर सब ध्यान दे रहे हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे आप हमारे कैमरे के जरिए से अपने गाँव वासियों को, अपने देशवासियों को, किसी भी तरह का? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा अपने गाँव वासियों को कि आपको सब कुछ पता है, कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अशिक्षित है। अच्छे को चुने, जिससे कि आने वाला कल आपका भी अच्छा हो और आपके बच्चों का भी अच्छा हो।